रोज की शिकायत कि घर के खाने में बाहर जैसा स्वाद नहीं है। अब देखती हूँ कैसे नहीं आएगा स्वाद। अब तो स्वाद आएगा ही आएगा। खाने को अगर स्वादिष्ट है बनाना तो जोर नहीं सिर्फ दिमाग लगाओ। दिमाग? इससे आएगा खाने में असली स्वाद। मसालों का ये जादू दिलों पे छा जाएगा। स्वाद का जो है दम सुबह को भा जाएगा। राजेश मसाले, अब आएगा खाने में असली स्वाद। खास मुलाकात रात 9 बजे। मैं इस समय ग्राम पंचायत हरला में हूँ। गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड अंतर्गत ये एक सुंदर पंचायत है जिसके मुखिया विनय कुमार हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं। आइए विनय जी से बात करते हैं। मुखिया जी आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। कितने वर्षों से आप मुखिया हैं? सर देखिए 5 वर्ष से और इधर ही प्रधान है। लगभग 5.5 वर्ष। 5.5 वर्ष। विनय जी आप की शिक्षा कितनी है? सर ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन। ऑनर्स क्या रहा था? अकाउंट। 5.5 वर्षों से आप मुखिया हैं। मुख्य रूप से जो काम हुए हैं आपके तरफ से पंचायत के विकास के लिए और जनता को लाभ पहुंचाने के लिए, अगर उन कार्यों की बात की जाए तो आप ये बताएं कि लगभग कितनी संख्या में प्रधानमंत्री आवास आप अपने पंचायत वासियों को दे सके अब तक? सर देखिए सबसे पहले हम यहाँ जिस समय मुखिया चुनाव करके आए थे, जिस समय मुखिया यहाँ पे बने थे, उसमें यहाँ का स्थिति देखे तो पूरा एकदम ना के बराबर। हमने प्रधानमंत्री आवास 300 से प्लस हमने दिए, 350 के लगभग प्रधानमंत्री आवास। 350 से अधिक प्रधानमंत्री आवास आपने दिया? हाँ। जिनको दिया आप, हाँ। क्या वो सही मायने में योग्य लाभुक थे? नहीं ना देखिए जितना को दिए हैं सब लोग लाभुक थे। सब मनरेगा मजदूर हैं, तो कोई बाहर में मजदूरी करता है, उसी तरह से सबका कच्चा मकान था, सब मिट्टी का घर था। वैसे गरीब परिवार में से सबको हमने प्रधानमंत्री आवास दिए। बहुत ऐसा जगह था जहाँ पर आने जाने का रास्ता। क्या जी आप ये बताएं कि प्रधानमंत्री आवास तो आपने योग्य लोगों को दिया, शौचालय कितने लोगों तक पहुंचा पाए? सर शौचालय हमने 600 से 650 तक शौचालय हमने बनाए। 650 शौचालय। हाँ। ये पंचायत आपका ODF फ्री है क्या? हाँ, ODF। कब हुआ? ODF 2018 में। 2018। हाँ। पंचायत की जो गरीब जनता है, हाँ। निर्धन वर्ग के जो लोग हैं उनकी अगर बात की जाए, आधार कार्ड, राशन कार्ड, विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन जैसे क्षेत्रों में कितना काम हो पाया? सर इसमें से तो वो अनुमानित नहीं बता सकते हैं, लेकिन कम से कम वो तो वृद्धा, विधवा, विकलांग ये सब जो होता है ना, सो करीब 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 सबको यहाँ पर कुछ पहले से हो चुका था और करीब बाकी जो बचा था खत्म कर दिया सारा। लगभग लगभग काम पूरे हो चुके हैं जी, पूरे काम। लोगों को इन सुविधाओं का और इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, समस्याएं नहीं है? नहीं समस्या। विनय कुमार, युवा शिक्षित मुखिया, ग्राम पंचायत हरला, प्रखंड देवरी, जिला गिरिडीह, झारखंड को आप सुन रहे थे। पंचायत स्तर पर 5.5 वर्षों की लगभग जो सक्रियता है उसके दौरान इन्होंने जो काम प्रमुख रूप से पंचायत में किए हैं उन कार्यों को संक्षेप में रख रहे थे। विनय जी, पंचायत की जनता के जो सुविधाएं होती है सरकार की तरफ से पंचायत स्तरीय, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, इन क्षेत्रों की क्या वर्तमान स्थिति है, कितना काम हो पाया, पेयजल की क्या स्थिति हरला पंचायत में है? सर देखिए हरला पंचायत में पेयजल की स्थिति ठीक ठाक है। कहीं के ऐसा था कि पानी का थोड़ा सा दिक्कत था, हमने वहाँ पर चापाकल द्वारा व्यवस्था की है, कहीं पर जल मीनार के द्वारा व्यवस्था की है, लेकिन पानी का व्यवस्था किए। जब कितनी संख्या में जल मीनार लगे हैं? देखिए जल मीनार हमने 3 ठो जल मीनार हमने लगाए थे, बाकी हर जगह हमने चापाकल का व्यवस्था की। चापाकल की क्या संख्या है? चापाकल की संख्या यहाँ पर अभी कम से कम है, तो चापाकल पूरे पंचायत में अगर कहीं लिया जाए तो करीब 150 का लगभग। 150। सभी के सभी काम कर रहे हैं? सभी काम कर रहे हैं, सभी चल रहे हैं। पंचायत की सड़कें कैसी है, कितना PCC पथ और पावर ब्लॉक पथ का निर्माण हो पाया? देखिए PCC रोड जो है ना, तो हमसे मुखिया बनने के बाद ही हमने सारा PCC किया। यहाँ पर PCC के बराबर न के बराबर था रोड। हमने देखा हर गांव में यानी मिट्टी का रास्ता नहीं रहने दिए। जहाँ पर सीमेंट का PCC रोड बनना था करीब करीब सब जगह बना दिए हैं, और जहाँ पर एक गांव से दूसरी गांव, एक जगह से दूसरी जगह जोड़ने का था वहाँ मट्टी मोरम द्वारा मनरेगा से हमने जोड़वाए हैं, और जो भी
थोड़ा मुड़ा करते हैं, एक दो को है वो इस बार में हमने खत्म कर दे रहे हैं। पीसीसी का मामले में मेरे पंचायत में एकदम पूरा ठीक ठाक है, रोड के मामले में खराब नहीं है। बिजली की क्या वर्तमान स्थिति पंचायत में है? सोलर लाइट और स्ट्रीट लाइट का कितना आपने यहाँ काम करवाया? देखिए सोलर लाइट हमने यहाँ पे ये जो सोलर लाइट जो बैटरी से चलता है वो हमने यहाँ पे 40 से 50 की संख्या में लगवाया था। हर जगह हमने लाइट का पूरा कर दिया। स्ट्रीट लाइट जो है, स्ट्रीट लाइट हमने 350 लगवाए थे। 350 स्ट्रीट लाइट, 40 के आसपास सोलर लाइट, ये जो लाइट्स लगाए गए क्या वर्तमान में सबके सब सुचारू रूप से काम कर रहे हैं? सब काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं। आप शिक्षित हैं, ग्रेजुएट है, शिक्षा का क्या स्तर है, क्या कंडीशन है, क्या स्थिति है पंचायत में? कुल कितने सरकारी विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र फिलहाल है यहाँ? देखिए यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र 8 है हरला पंचायत में, और सरकारी 10 गांव यहाँ पर रेवेन्यू विलेज है, और 10 गांव में से हर गांव में से स्कूल है। ये जो स्कूल है, ये जो शिक्षण संस्थान आपके पंचायत में है, इन शिक्षण संस्थानों में बतौर मुखिया आपने कौन कौन सी सुविधाएं दी है? देखिए हर स्कूल में सुविधा दी है, और हर स्कूल में हम महीना में एक बार जाते हैं, और हम शिक्षित हम पढ़े लिखे हैं, और मेरा मुखिया बनने का फर्स्ट उद्देश्य मेरा वही था कि यहाँ की जो भी बाल बच्चा है, यहाँ का जितना लड़का है उसको शिक्षित करें, मेरा प्रथम उद्देश्य था। कितना सफलता आपको प्राप्त हो चुका है अपने उद्देश्यों में? देखिए उसमें से पहले भी हम जिसमें हम अपना स्टूडेंट लाइफ था उसमें हम बच्चों पर विशेष ध्यान देते थे, हमने पढ़ाते थे सबको, हमने क्या कहते हैं बिना फीस को फ्री हमने सबको बाल बच्चा जितना भी लड़के वहाँ पर बच्चे थे सबको पढ़ाते थे, शिक्षा देते थे, और अभी भी ये बरकरार रखे हैं। हम हर स्कूल जाते हैं, हर शिक्षक को देखते हैं क्या स्थिति में बच्चा को क्या पढ़ा रहा है, बच्चा कौन स्थिति में है, बच्चा कैसे पढ़ा, ये सब सब देखते हैं। पंचायत में कोई उप स्वास्थ्य केंद्र है क्या? पंचायत में इसमें उप स्वास्थ्य केंद्र है नहीं, थोड़ा बगल। लोग इलाज के लिए कहाँ जाते हैं? यहीं पर बगल में है पंचायत उप केंद्र है। कौन से पंचायत में? ये तो घुरंजी हाट पे है। कितनी दूरी है यहाँ से? यहाँ से कोई खास दूरी नहीं है, खूब कीजिएगा तो 1 किलोमीटर है। विनय कुमार मुखिया हैं ग्राम पंचायत हरला के। पंचायत स्तर पर आम जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की वर्तमान स्थिति से हम सभी को अवगत करवा रहे थे। शिक्षित हैं, काम भी हुआ है, और प्रशंसा भी पंचायत वासियों के बीच इनकी हो रही है। धन्यवाद विनय जी। कोरोना महामारी की अगर बात की जाए, क्या स्थिति है आरंभ से लेकर वर्तमान तक आपके पंचायत में? देखिये मेरे पंचायत में कोरोना का जो है ना, हम लोग विशेष ध्यान दिए थे, यहाँ का जो भी हम लोग टीम गठित किए थे, और इस टीम के अनुसार से हम लोग पूरा पंचायत में सर्वे किए थे, और मेरे पंचायत में कोरोना पॉजिटिव एक भी केस नहीं है। नहीं। बाहर जो मजदूर थे आपके पंचायत के, जब वो वापस लौटे उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया गया था आरंभ में? देखिए आरंभ में जब वो हमने आए तो बाहर से जो प्रवासी मजदूर मेरे आपस आए थे, हम हर स्कूल में क्वारंटाइन सेंटर बनवाए थे, और वहाँ पर हमने सबको 14 दिन रखे थे, और 14 दिन रखने के बाद फिर उसको जांच करवा कर फिर वापस उसको पुनः घर भेज देते थे। क्या लोगों के बीच मास्क और सैनिटाइजर का वितरण हुआ था? हाँ, मास्क सैनिटाइजर ये सब राशन हर चीज का व्यवस्था किया। पंचायत के गरीब जनता के बीच राशन सामग्री बांटा गया था? हाँ, राशन सामग्री आपके निजी फंड से या सरकारी स्तर से? नहीं देखिए सरकारी स्तर से भी आया था, और कुछ हम लोग भी ऐसे गरीब मजदूर थे जिसको हम लोग कुछ अपने से भी मदद की। स्वास्थ्य सर्वे कार्यक्रम की क्या वर्तमान स्थिति है, रिपोर्ट क्या है? स्वास्थ्य सर्वे का स्थिति ठीक ठाक है, और ये तो रिपोर्ट बन चुका है, ये तो शायद ब्लॉक भी। क्या कोई पॉजिटिव केस है पंचायत में? नहीं, एक भी पॉजिटिव केस नहीं है। कोरोना वैक्सीनेशन टीकाकरण की क्या स्थिति है, कितना सफल हो पाया? देखिए कोरोना वैक्सीन का करीब करीब सब है, और अगर कहीं कहा जाए तो ये पूरा देवरी ब्लॉक में 27 पंचायत है, 27 पंचायत में से हरला 1 नंबर सबसे ज्यादा वैक्सीन हुआ था। सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम सफलतापूर्वक हरला में हुआ है जी। आपने स्वयं डोज लिया है क्या? सर देखिए मेरा 45 वर्ष उम्र नहीं होने के कारण तो हम तो स्वयं तो लिए नहीं है। आप नहीं ले पाए? नहीं, मेरा। चलिए कोई बात नहीं। मुखिया हरला पंचायत को आप सुन रहे थे, कोरोना महामारी के आरंभ से लेकर वर्तमान तक की स्थिति को हम सभी के सामने रख रहे थे। पंचायत स्तर पर अच्छे काम हुए हैं, और सुखद इसका परिणाम भी देखा जा सकता है। वर्तमान में इस पंचायत में एक भी कोरोना पॉजिटिव का केस नहीं होना इस बात को सिद्ध भी करता है। मैं इस समय देवरी प्रखंड के हरला पंचायत में हूँ। मुखिया जी हमारे साथ हैं, विनय कुमार। इस समय इस पंचायत के गांव विशेष में एक सामुदायिक भवन का निर्माण जो हुआ है वहां पर हम लोग खड़े हैं। सुंदर निर्माण है। आइए मुखिया जी से बात करके जाने का प्रयास करें क्या लाभ है इस निर्माण के पीछे। मुखिया जी, ये जो सामुदायिक भवन का निर्माण कब हुआ था? सर देखिए इसमें तो 2017-18 में बनाया था। 17-18 क्या उद्देश्य था इस निर्माण के पीछे? देखिए इसका उद्देश्य था कि यहाँ पर ये जो है ये बगीचा है, यहाँ पर बैठने के लिए सबको यहाँ पर आनंद आवा लेते हैं, ये फलदार वृक्ष है, तो पूरा ग्रामीण आज जुटते थे, तो हमने सोचा कि यहाँ का छोटा सा समुदायिक भवन बना देंगे, तो सबको मिलजुल करके कभी कुछ बात विवाद रखेंगे, छोटा मोटा सामूहिक कुछ कार्यक्रम रखेंगे,
कितना राशि लगा था इसके निर्माण? देखिए 1,38,300 में हमने इसको बनाया। 1,38,300 कौन से वित्त से? 14वीं वित्त से। जनता को लाभ मिल पा रहा है जो सोचे थे आप? जी जी, जनता का लाभ मिल रहा है। कौन कौन से ऑकेजन में लोग यहाँ बैठते हैं? देखिए यहाँ पर कोई भी कार्यक्रम होता है तो यहीं पर। क्या ये पंचायत का एकमात्र सामुदायिक भवन है या और भी कहीं है? ना, और कहीं है। और नहीं है, चलिए जो भी है अच्छा है। मुखिया जी को आप सुन रहे थे, ग्राम पंचायत हरला के सामुदायिक भवन का निर्माण, इसका इतिहास, इसके महत्व के विषय में बता रहे थे। बहुत ही अच्छा निर्माण हुआ है, लोग लाभान्वित हो रहे हैं। मुखिया जी पढ़े लिखे हैं इसलिए इनकी सोच अच्छी है और इसी सोच के तहत यहाँ पर इन्होंने एक सामुदायिक भवन का निर्माण करवाया जिसका लाभ इस पंचायत के, इस गाँव विशेष के जो लोग आस पास के हैं वो समय समय पर यहाँ पर आते हैं, बैठकें होती हैं, आपस में बातचीत होती है। कुल मिलाकर ये जो योजना है वो सफल और कारगर। विनय जी, पिछले 5.5 वर्षों से आप पंचायत में मुखिया के तौर पर काम कर रहे हैं, आने वाले समय में झारखंड में एक बार फिर से पंचायत का चुनाव होने वाला है, क्या इस पंचायत की जनता के समक्ष एक बार फिर से आप बतौर मुखिया प्रत्याशी चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं? हाँ सर, चुनाव में लड़ने की तैयारी में है। तैयारी में है, क्या लगता है लगातार दूसरी बार जब आप पंचायत वासियों के सामने जाएंगे एक उम्मीदवार के तौर पर, तो क्या जनता का प्यार इस बार आपको मिल पाएगा? हाँ, जनता का प्यार मिलेगा। हम खुद अपने से चुनाव नहीं लड़ते, हमको जनता लड़वाते हैं। आप स्वयं चुनाव नहीं लड़ते, जनता लड़वाती है। चुनाव जीतने के प्रति अगर आपका जवाब प्रतिशत में लिया जाए, कितना प्रतिशत लगता है कि आप जीत जाइएगा? सर देखिए, हमको तो ऐसा लग रहा है कि हम तो जीत जाएंगे। कितना प्रतिशत? करीब करीब मान लीजिए ना 100 के मान के चलिए। 100, ये जो एक तरफा विश्वास है, वन साइडेड फेथ है, इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, इसका मुख्य कारण ये है कि हमने जितना भी यहाँ पर जो है ना, अब जो ग्राम या तो पंचायत का जो तस्वीर चेंज करता है, यहाँ का नवयुवक लड़का ही करते हैं। नवयुवक लड़का, हम खुद नवयुवक है, मेरे साथ है नवयुवक। उसके बाद हर किसी को, बड़े को बड़े सा सम्मान दिए, छोटे को छोटे सा सम्मान दिए, मैंने हर को हम मान सम्मान के साथ ही लेकर के चले। इसीलिए लगता है कि आप जीत जाइए। जी हाँ जी। विनय कुमार मुखिया, ग्राम पंचायत हरला, युवा शिक्षित मुखिया और जन प्रतिनिधि, आगामी पंचायत चुनाव में एक बार फिर से इस पंचायत की जनता के समक्ष बतौर मुखिया प्रत्याशी अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेंगे और अपनी जीत के प्रति 100% आश्वस्त है। और इसका जो मुख्य कारण है वो इनके द्वारा किए गए विकास के कार्य हैं, जो इन्होंने निस्वार्थ भाव से इस पंचायत का विकास किया है, जनता का कल्याण किया है, सबके सुख दुख में साथ दिया है इन्होंने। पंचायत की युवाओं के बीच इनकी गहरी पैठ है, लोगों के बीच सक्रिय रहते हैं और ये जो काम पिछले 5.5 वर्षों से निरंतर इनके सौजन्य से पंचायत स्तर पर हो रहे हैं, इसके आधार पर इनको लगता है कि आगामी पंचायत चुनाव में इस पंचायत से एक बार फिर से बतौर मुखिया इन्हीं की जीत होगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है विनय जी। आशा करते हैं कि जिस तरह से आपने पिछले लगभग 5.5 वर्ष व्यतीत किए हैं आम जनता के कल्याण के लिए और पंचायत के विकास के लिए, आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तो पंचायत की जनता समझदार है, जागरूक है, पढ़ी लिखी है, उचित और अनुचित के बीच का फर्क जानती है, सही समय आएगा तो उचित निर्णय भी लेगी। आपने अगर अच्छा काम किया है तो परिणाम भी आपके पक्ष में ही होगा। फिलहाल हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ है, धन्यवाद।